अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और एमआईएस बैंक में है तो आपको शायद पता होगा, हर साल अप्रैल में आपको 15G और 15A's फॉर्म सबमिट करना होता है बैंक में, क्योंकि अगर आप 15G और 15A's फॉर्म सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट के ऊपर इनकम है उस इनकम से 10% पैन कार्ड के साथ और पैन कार्ड ना होने से 20% आपका TDS काट लिया जाता है। लेकिन इस साल आपको 15G और 15A जमा करने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये समय लॉकडाउन चल रहा है तो आपको शायद बैंक में जाने का बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये सब चीज ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक की तरफ से 15G और 15A को लेकर एक अपडेट आया है जो कि आपके लिए गुड न्यूज हो सकता है। तो क्या गुड न्यूज आया है इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या अपडेट आया है 15G और 15H को लेकर। आपको शायद पता होगा 15G और 15H का जो वैलिडिटी होता है वो 31 मार्च तक एंड हो जाता है, लेकिन इस साल 31 मार्च आपका 15G और 15H का वैलिडिटी एंड नहीं होगा। बैंक की तरफ से एक क्लियर बताया गया है, स्टेट बैंक का ऑफिशियल साइट sbi.co.in में जो अनाउंसमेंट किया दिया गया है उस अनाउंसमेंट को मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये अनाउंसमेंट है, आपको शायद दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि 31 मार्च में जो भी प्रीवियस ईयर में 15G और 15A's फॉर्म सबमिट किए थे उनके लिए 31 मार्च 2020 में उसका वैलिडिटी एंड नहीं होगा, उसका वैलिडिटी 13 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी कस्टमर्स अभी बैंक में विजिट नहीं कर सकते उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 13 जून तक इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। आप 13 जून के अंदर आपका 15G 15A's जरूर सबमिट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये एक बिग न्यूज है ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो बैंक की तरफ से, ये सोचकर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स 15G और 15A's को लेकर स्टेट बैंक की तरफ से जो भी अपडेट था मैं आपको सिंपल तरीके से बता दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और आपका फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।